is Maverick and welcome to the Epic Boys Gaming. और दोस्तों टुडे वी आर गोना प्ले अगेन सुपर सर। दोस्तों आज हम लोग इस गेम के अंदर बने हैं अपना दी अंडरटेकर, जो कि ना भाई लोगों को मारता है और उसके बाद उन लोगों की बॉडी को ले जाकर छुपा देता है कोने खापचे के अंदर। मैं कहां हूं बहन? तेरी सासू माँ के घर में गजनी की औलाद। यानी कि भाई ये बहुत ज्यादा ओपी रोल है। तो हम लोग यहाँ पे देखो गेम में कौन आया हुआ है। इस गेम के अंदर आया हुआ है अपना टाइम मास्टर। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसको मारेंगे क्योंकि ना भाई ये इतना एक नंबर का एड़ा इंसान है। ये बार बार हमें परेशान करता है इस गेम के अंदर। जब भी हम लोग कुछ करने के लिए जाते हैं ये कहता है भाई पीछे आ जाओ, अपना टाइम बढ़ा देता है, मतलब टाइम पीछे कर देता है। हम लोग इस चक्कर में पीछे आना पड़ता है। इस चक्कर हमने इसको पहले मार दिया और पीछे लाके इसको यहाँ पे छुपा दिया है। अब भाई ये इंसान हमें परेशान नहीं करेगा इस गेम के अंदर। तो हम लोग चलते हैं यहाँ से आगे। अब देखते हैं भाई ऐसा कौन सा दूसरा इंसान है जो हमें परेशान करेगा इस गेम के अंदर। हम लोग उसको ही मारेंगे और उसकी बॉडी को लेकर छुपा देंगे। ओके भाई चलते हैं यहाँ से आगे। देखो कोई मिलता है या नहीं मिलता। यहाँ पे कोई भागता हुआ है, यहाँ पे भागता हुआ है अपना येलो जिसका नाम है इस गेम के अंदर शिनशेन। लेकिन यहाँ पे खड़ा हुआ है ब्राउन जिसका नाम है इस गेम के अंदर डॉट। ठीक है तो भाई वो डॉट यहाँ पे खड़ा हुआ था इसलिए हम लोग यहाँ से आगे जा चुके हैं और देखते हैं यहाँ पे कोई मिलता है हमें तो। ओके मैडवे में चलते हैं। मैडवे में कौन खड़ा हुआ है यहाँ पे? आहा तेरी पेटी पे मारूंगा इसको। हम लोगों ने यहाँ पे मार दिया इसकी बॉडी को भी ले आता हूँ और भाई बत्ती जा बल्ती वो मतलब बत्ती खुल चुकी है यहाँ पे। हम लोग उसको यहाँ पे छुपा देते हैं। चल कोबरा तू यहाँ पे आराम कर। हम चलते हैं यहाँ से आगे देखते हैं भाई कोई और मिलता है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे दो बंदे मार दिए हैं। अच्छी बात यह कि इस गेम के अंदर अभी तक किसी ने भी मीटिंग नहीं बिठाई है, बहुत अच्छी बात है ताकि हम लोग आराम से किल कर सकते। मैंने क्यों बोला कि मीटिंग नहीं बिठाई है यार? मेरे कहते ही इन लोगों ने यहाँ पे मीटिंग बिठाई जो कि बहुत बुरी बात है। अब से मैं बोलूंगा ही नहीं मीटिंग के बारे में। और उन्होंने यहाँ पे वोट कर दिया है अपने लाल को जिसका नाम था इस गेम के अंदर पानी पूरी। भाई देखो ऐसे ऐसे नाम रख के आएगा ना इस गेम के अंदर तो ये लोग क्या, मैं भी तेरे को वोट करूंगा इस गेम के अंदर। लेकिन अच्छी बात है भाई इन लोगों ने इस बार सेल्फ रिपोर्ट वाले को वोट नहीं करा, यानी कि ये गेम सुधर रहा है। लेकिन भाई सुधर भी क्या रहा है, इन लोगों ने यहाँ पे निकाला है एक बेगुनाह को। देखो मेरा पार्टनर और मैं तो यहाँ पे बिल्कुल हरामखोरी कर रहा है। हम यहाँ पे आगे चलेंगे। रिएक्टर का टास्क दीजिए मेरे पार्टनर ने। अच्छा ये कह रहा है कि भाई इसको मेरे को किल करना है। देख भाई तू किल नहीं कर सकता क्योंकि इस गेम के अंदर करूंगा मैं किल। अब देखते हैं भाई कौन यहाँ पे पहले किल करेगा, मेरा पार्टनर या फिर मैं। ओके भाई देखते हैं कौन मरना चाहता है हमारे। 3, 4, 3, 2, 1 और यहाँ पे कौन मरा? येलो मिला और हमने यहाँ पे शिनशेन को मार दिया। यस किल करना था पर्पल को, पर्पल को मेरे को किल करने देता यार। देख मेरे भाई अगर तुझे पहले किल करना तो ना अच्छा खेल में इतना मेरे इतना प्रो इंसान मन और तू कहता है कि मेरे को किल करना ऐसा नहीं हो सकता, मेहनत करनी पड़ती है बेटा हमारे इतना। और हम लोग यहाँ पे अगले गेम की तरफ आ चुके हैं और हम लोग बने हैं अपना जुआरी नंबर 1 ब्लैक जे को। हमारा पार्टनर इस गेम के अंदर सियान जिसका नाम है ए के। भाई ए के मतलब क्या हो सकता है? ए के मतलब अक्षय कुमार या फिर अशोक खन्ना या फिर अनिल कपूर, जो भी है भाई ये है हमारा पार्टनर इस गेम के अंदर। दुबला पतला सा हम चलते हैं यहाँ से आगे। अभी कोई भी मिलता है तो उसको मारते हैं। ओके यहाँ पे येलो भाग रहा है, हम येलो को मारते हैं। इधर को येलो, इधर को येलो, कहां भाग रहा है छोटू? वो छोटू इधर को आया, छोटू इधर भाग रहा है भाई, बहुत तेज भाग रहा है छोटा। ये लेकिन इतनी तेज नहीं भागता, हमने इसको यहाँ पे मार दिया। यहाँ चलते हैं आगे। और भाई इस गेम के अंदर हम लोग ब्लैक जैक तो हमें लोगों के रोल मालूम करने, हम लोग के रोल मालूम करेंगे तो उन लोगों को मीटिंग में ही मार पाएंगे, यानी कि हम करेंगे बिल्कुल बहुत सारे किल। लेकिन भाई इन लोगों के रोल मालूम करना ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ना भाई ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं आज तक। ये तो बताते ही नहीं है भाई इन लोगों के रोल क्या है और इतने झूठे मक्कार लोग हैं ना भाई देखते हैं जिसकी में ब्लैक जैक आया हुआ तो मीटिंग बिठाते और कहते हैं भाई मैं तो हैकर हूँ, कोई कहता है नहीं भाई मैं समुराय हूँ। इन लोगों को लगता है कि भाई ब्लैक जैक गैस ले लेगा और हाँ भाई ये होता है, ब्लैक जैक यहाँ पे गैस ले लेता है। और यहाँ पे ये क्या हो गया, मैंने मार दिया ग्लूटोनी और उसके पेट में से निकले यहाँ पे ऑरेंज, वो मेरा पीछा कर रहा है। हम यहाँ से भाग जाते हैं, ऑरेंज ने हमें देख लिया भाई यहाँ पे किल करते हुए, हमारे लग गए यहाँ पे एल। हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई ऑरेंज को यहाँ पे सबसे पहले खत्म कर दो, शायद ऑरेंज यहाँ पे आया था। लेकिन ऑरेंज दिख क्यों नहीं रहे भाई, हमारा टाइम यहाँ पे भरा नहीं है। जैसे हमारा टाइम भर जाए तो हम ऑरेंज को मारते हैं वरना ऑरेंज एड़ा सबके सामने बोल देगा कि भाई मैंने देखा है मैवरी को किल करते हुए। यहाँ पे मेरा पार्टनर किल करके भाग चुका है, यहाँ पे खड़ा हुआ है अपना पर्पल और यहाँ पे देखो ऑरेंज की बॉडी पड़ी हुई है। लेकिन कोई तो मिल जाओ भाई, ऑरेंज कहाँ है मेरा, एक काम करते हैं ऑरेंज में टाइम वेस्ट नहीं करते। लेकिन मैंने क्यों करा, मैं मारने जा रहा था पर्पल को लेकिन इन लोगों ने बिठा दिया यहाँ पे मीटिंग। इस बार तो मैंने पहले मैं ना ये ब्लू के साथ चिपका हुआ था लेकिन ब्लू को किसी कम एलियन ने मार के भाग गया, फिर मैं वाइट के साथ चिपक गया। वाइट यस भाई यस, यही तो चाहिए जिंदगी के अंदर। वो इंसान अंधा हो चुका था, उसने देखा ही नहीं भाई किसने मारा, ये बहुत अच्छी बात है। उसने कहा कि वाइट ने नहीं मारा लेकिन फिर भी इन लोगों ने वाइट को यहाँ से बाहर कर दिया क्योंकि वाइट का नाम था इस गेम के अंदर मिनियन। अब भाई एक बात बताओ, कोई इंसान चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि उसका नाम है मिनियन तो ये लोग कैसे निकालेंगे? नहीं बताओ, अगर तुमसे कोई इंसान आके कहेगा कि भाई मैं हूँ इस गेम के अंदर मिनियन तो उसको निकालो कि हाँ भाई ये मिनियन ही किल कर सकता है। लेकिन भाई इन लोगों को इतना समझ में नहीं आता कि मिनियन सिर्फ उसका नाम है। और यहाँ पे देखो मेरा चिपक चुका है यहाँ पे आके हनी भी, भाई मुझे समझ में नहीं आता हनी भी मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हैं।
लोगों को लगता है कि भाई मैं गेम जितवा दूंगा तो अच्छी बात है मैं जितवा देता हूँ, लेकिन फिर भी ये लोग इतने दोगले होते हैं ना कि अगर ये किल करते हुए देख लेते ना तो ये लोग कह देते कि हाँ भाई मैवरिक को निकाल दो क्योंकि मैंने उसको देखा है। और देखो मेरे कान में चिल्लाया जा रहा है ब्राउन है, लेकिन यहाँ पे हमने किल कर दिया है पिंक को और हम लोग जीत चुके हैं हमारा दूसरा गेम। ओके भाई तो मज़ा आ रहा है आज गेम खेलते खेलते। तो एक काम करते हैं आज दो नहीं आज हम करेंगे तीन रोल्स का कंपैरिजन। तो हम चलते हैं अपने अगले गेम की तरफ और अगले गेम देखते हैं क्या बनाते हैं। अगले गेम हमें बनाने वाला है ये अपना बाबा में बाबा डिमेंटर बाबा भाई सबसे बेहतरीन बाबा डिमेंटर यानी कि इस गेम के अंदर खेलूंगा मैं बिल्कुल बेखौफ होकर सबके सामने किल कर दूंगा। लेकिन इस गेम के अंदर आया हुआ है अपना जोकर जो कि एक नंबर का एड़ा होता है भाई। कोशिश करेंगे कि जोकर को हम लोग इस गेम से ना निकाले वरना ये लोग इतने खतरनाक होते हैं ना कि भाई इस गेम से सबको निकाल देते हैं। और अभी तक हम दो गेम जीतते आए हैं तो मैं ये नहीं चाहता कि हम लोग तीसरा गेम हार जाएं। यहाँ पे हमने एक को पेल दिया यहाँ से हम लोग भाग रहे हैं आगे की तरफ। अभी हमें कोई दूसरा बंदा मिल जाए तो उसको भी मारेंगे, लेकिन उस दूसरे बंदे को मारने में भी है थोड़ा टाइम क्योंकि हमारा कूल डाउन भरने में लेता थोड़ा टाइम। तो जैसे ही हमारा कूल डाउन भर जाएगा ना उसके बाद हम लोग करेंगे किल। और भाई एक येलो पहुंच चुका है वहाँ पे ताका झाकी करने ठीक है उसको ताका चाहिए। अबे कोबरा यहाँ पे भागता हुआ हम लोग यहाँ से भागते हैं भाई हम देखते हैं क्योंकि ना भाई मेरा कूल डाउन भरा नहीं है तो ये लोग शेरी भी हो सकते हैं ये लोग कुछ भी हो सकते हैं तो ये लोग मेरे को मार सकते हैं इसलिए मैं यहाँ पे छुप जाऊँगा कोने के अंदर। जैसे मेरा कूल डाउन भर जाएगा ना अब मेरे को मिले ये लोग। ओके हमारा कूल डाउन भर चुका है यहाँ पे लेकिन दरवाजे बंद हो चुके हैं दरवाजे खुल जाए तो मैं जाऊँ लोगों को मार रहे हैं। हाँ भाई इधर को आप मेरे सामने तुम लोग कहीं से भी आ जाओ सामने से आ जाओ पीछे से आ जाओ ऊपर से नीचे से। और देखो यहाँ पे ये लोग खड़ा हुआ है पता नहीं क्यों खड़ा हुआ था लेकिन हमने इसको यहाँ पे लिटा दिया है। और यहाँ पे देखो व्हाइट ने एड़े को बिठा दी है यहाँ पे मीटिंग चार लोग मर चुके हैं इस गेम के अंदर लेकिन हमें किसी का भी रोल पता नहीं है इस गेम के अंदर। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे कर देंगे वोटो को स्किप क्योंकि इस मीटिंग के अंदर एक चीज होती है खुद ही होता है। हाँ तो भाई मैं बताता हूँ इस मीटिंग के अंदर होता क्या है ना कि ये लोग कहते हैं कि इसको वाइट को निकाल दो क्योंकि उसने मीटिंग बिठाई है और इन्होंने उसको वेंट करते हुए देखा है। लेकिन मैं इन लोगों को समझाता हूँ कि भाई वो जोकर है क्योंकि समझ लो क्योंकि इस गेम के अंदर मैं बोल देता हूँ कि भाई मैं हूँ इस गेम के अंदर इम्पोस्टर तो मुझे पता है कि वाइट जो है वो इस गेम के अंदर जोकर तो ये लोग उसको वोट मत करो। लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ पे करते हैं वोटों को इसकी अच्छी बात ये लोग मेरे को वोट आउट नहीं करते लेकिन ये लोग कहते हैं कि भाई साहब तू नूबड़ा है अगली मीटिंग में ये लोग मुझे निकालने की पूरी तैयारी करते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि भाई काम करता हूँ यहाँ पे मीटिंग बिठाने से पहले इन सबको खत्म कर देता हूँ तो कितना अच्छा रहेगा ना यहाँ पे। ओके हम चलते हैं यहाँ से आगे देखो पर्पल खड़ा हुआ है पर्पल वेंट करके भाग गया यानी कि पर्पल इस गेम के अंदर जोकर भाया हो गई टेंशन की बात क्योंकि यहाँ पे व्हाइट जोकर नहीं है जोकर है अपना पर्पल। लेकिन वो लोग कह रहे थे कि व्हाइट को भी उन्होंने वेंट करते हुए देखा यानी कि इस गेम में तो सकते हैं दो जोकर लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है एक को तो मैंने मार दिया है यहाँ पे। और ये देखो मेरा पार्टनर यहाँ पे कैसे हराम खोरी कर रहा है अपने ऑरेंज के साथ भाई ये दिक्कत की बात है। मेरे पार्टनर वैसे तो रो रहा था कि नूबड़े ये क्या कर रहा है अपना रोल बता रहा है लेकिन यहाँ पे तो उसका खड़ा हुआ उसको मारता ना। और यहाँ पे मीटिंग बैठ चुकी है भाई मेरा जो यहाँ पे देखो मैं गया लगता है यहाँ पे देख ब्रो तू टेंशन मत ले मैं तुझसे कह रहा हूँ यही ये देखो भाई ये लोग हो चुके हैं यहाँ पे पागल क्योंकि इन लोगों को पता नहीं है कि भाई मैं इस गेम में कितना खतरनाक इंसान हूँ। मतलब मेरे को इस गेम में सबके सामने कहा था कि मैं इस गेम में इंपोस्टर यहाँ पे ओरिजिन ने मेरे को वोट आउट कराने की पूरी कोशिश करी लेकिन ना भाई मेरा पार्टनर इतनी टेंशन लेता है मेरी वो कह रहा था कि भाई मत करो वोटों को इसलिए तो लोगों ने यहाँ पे स्किप कर दिया वोटों को। लेकिन अभी दिक्कत की बात यह है कि इस गेम में बचा हुआ है अपना ग्लू टोनी और भाई यहाँ पे देखो मैं दिक्कत आ चुका हूँ क्योंकि इन लोगों को शक हो चुका है मेरे ऊपर से आ चुका है ग्लू टोनी। लेकिन डरने की कोई बात ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे सबसे खतरनाक इंसान वो हूँ मैं तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे और ढूंढेंगे ग्लू टोनी को उसको सबके सामने मारेंगे। और यहाँ पे देखो मेरे पार्टनर ने किल कर दिया ऑरेंज का और वाह भाई वाह कोबरा भाई तुम मेरे सामने खा रहे हो मेरे पार्टनर को हमने इसको यहाँ पे मारा और हम लोग ये गेम जीत चुके हैं भाई। भाई शुक्रिया भाई मेमोरी भाई मैं आपका बिग फैन हूँ भाई मेमोरी आपका पार्टनर बन के बहुत अच्छा लगा। तो आज हम लोगों ने 3-3 गेम जीत लिए तो चलो भाई फिर ये था हमारा आज का गेम प्ले पसंद आया तुम लोग को पता है ना क्या करना है तुम लोग को वीडियो को लाइक कर देना है और हाँ चैनल पे नया है चैनल को तो सब्सक्राइब। बाकी मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अपने अगले गेम प्ले के अंदर तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय।